Hello students, let's see this question. A solenoid 60 cm long and of radius 4 cm has 3 layers of windings of 300 turns each. A 2 cm long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center, normal to its axis. Both the wire and the axis of the solenoid are in the horizontal plane. The wire is connected through the two leads parallel to the axis of the solenoid to an external battery which supply a current of 6 ampere in the wire. What value of the current with appropriate sense of circulation in the windings of the solenoid can support the weight of the wire? G is equal to 9.8 meter per second square. So, aapke paas ek solenoid hai, theek hai, ek long solenoid hai, let's suppose like this. Ek solenoid aapke paas is tarike ka. ठीक है, एंड इसके अंदर इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसकी तीन लेयर्स है वाइंडिंग्स की, एंड हर एक वाइंडिंग की जो लेयर है उसके अंदर 300 टर्न्स है. नाउ आपने इसके अंदर क्या करा है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर जो है वो इसके अंदर रखा है, सच दैट वो इसकी एक्सिस के क्या है, नॉर्मल है, लेकिन वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. जिस प्लेन में इसकी एक्सिस है उसी प्लेन में आपका क्या है, वायर है, लेकिन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है. So, अगर ये इसकी एक्सिस है लाइक दिस, अगर ये इसकी एक्सिस है, सो वायर जो है वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है. क्लियर. नाउ ये जो वायर है इसको आपने क्या करा, दो लीड से कनेक्ट कर दिया, दो लीड से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, एंड जो कि कनेक्टेड है किसी बैटरी से, एंड इसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट सपोज आई. क्लियर. नाउ अब ये जो सोलेनोइड है अगर मैं इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इसके अंदर भी कुछ करंट फ्लो करेगा, एंड करंट के फ्लो करने से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एंड ये जो आपका वायर है, जो आपने वायर रखा हुआ है सोलेनोइड के सेंटर के पे, इसका कुछ वेट होगा. नाउ इस वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर करंट पास कर दूं, इस वायर के अंदर करंट पास कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, तो वो कुछ फोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि वो इसके वेट को बैलेंस करे. ठीक है, वो इसके वेट को बैलेंस करे. तो इसका मतलब अगर वेट को बैलेंस करना है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, दिस शुड बैलेंस दिस mg. क्लियर. अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा करंट कैरिंग वायर के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स होगा करंट कैरिंग वायर के ऊपर, दैट इज इक्वल टू आई बी एल. क्लियर, कितना होगा आई बी एल. ये आई कौन सा है, दिस इज द करंट, करंट फ्लोइंग इन वायर, जो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. क्लियर. एंड बी जो है वो किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज ड्यू टू सोलेनोइड. ये किसकी वजह से है, सोलेनोइड की वजह से है. एंड एक लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट एन आई. अब ये आई कौन सा है, ये है करंट, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड, जो सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ये वो है. एन क्या होता है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ. नाउ यहां पर इसने बोला है कि तीन लेयर्स है वाइंडिंग की और हर एक वाइंडिंग के अंदर कितने टर्न्स है, 300 टर्न्स है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 3 × 300 डिवाइडेड बाई लेंथ, कितनी है, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 60 × 10⁻². ये हो जाएंगे इसकी एन की वैल्यू. क्लियर. नाउ अब बी मिल गया, आई हमें पास है और एल है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, सो मैग्नेटिक फोर्स दिस विल बी इक्वल टू आई, बी की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट एन आई इनटू उसकी लेंथ, कितनी एल, उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज एल. क्लियर, दिस इज एल. सो एंड दिस इज इक्वल टू एम जी, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है उसके एम जी को, सो हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, कौन सा, जो सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन आई इंटू म्यू नॉट एन इंटू एल, और एन की जगह क्या लिख देंगे, एन की जगह लिख देंगे हम लोग, दैट इज म्यू नॉट, एन की जगह लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ, लेंथ ऊपर आ जाएगा, इंटू आई इंटू एल. क्लियर, दिस इज द करंट इन दिस
सॉलिनॉइड। सो सारी वैल्यूज रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। सो मास कितना है, मास इज 2.5 ग्राम, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जी की वैल्यू है 9.8। लेंथ कितनी है वायर की, दैट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो सॉलिनॉइड, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। एन की वैल्यू दैट इज 3 इंटू 300। आई कितना है, करंट, करंट इज 6 एम्पियर इन द वायर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ वायर इज 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा कितना, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको करंट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली कितना, दैट इज 108 एम्पियर। सो दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड सच दैट कि वो इसके वेट को, जो वायर का वेट है उसको वो सपोर्ट कर सके। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू सो मच।